गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लास्ट लेक्चर में हमने किया था द थ्योरी बिहाइंड द फिजिकल फीचर्स. मींस जो फिजिकल फीचर्स फॉर्म हुए हैं अर्थ पर, हमें डिफरेंट फिजिकल फीचर्स दिखते हैं, उसके पीछे क्या थ्योरीज है. उसमें हमने जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है की थी. नाउ कम टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया. फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया वी डिवाइडेड इट इनटू सिक्स कैटेगरीज. मैंने आपको पहले भी बताया था. तो सबसे पहली कैटेगरी है द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स. सेकेंड नंबर है द नॉर्दर्न प्लेट. थर्ड है द पेनिनसुलर प्लेटू. Fourth is the desert. Fifth is the coastal plains. And the last one is the islands. These six physical features are found in the Indian subcontinent. अब इसमें हम वन बाय वन जो है इसको डिटेल में करेंगे कि क्या इनके फीचर्स हैं. सबसे पहले आते हैं हम द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स. द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स, जैसे कि हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी किया था, दीज आर द यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स. क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन है वो अभी भी कंटिन्यू है और इनके फॉर्मेशन जो है वो सबसे लास्ट में हुई. और इस जो ये माउंटेन्स हैं वो हमें बहुत ही रग्ड टोपोग्राफी में मिलते हैं. रग्ड टोपोग्राफी का मतलब क्या है? उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा जहां पर धरातल होता है. एंड दीज माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर इन द वर्ल्ड. मीन्स ये बैरियर का काम करते हैं. जो भी सेंट्रल एशिया, ये पार्ट जो है वो कौन सा है? सेंट्रल एशिया का, ठीक है, जिसमें चाइना, तिब्बत और ये सारे एरियाज हैं. तो इस सेंट्रल एशिया से जो भी एनिमीज हैं वो बहुत इजीली यहाँ पर इंडिया में एंटर कर जाते हैं अगर यहाँ पर ये हिमालयन माउंटेन्स नहीं होते. तो ये सेंट्रल एशिया से आने वाले एनिमीज के लिए बैरियर का काम करता है. तीसरी चीज जो है कि ये माउंटेन्स जो है वो हमें वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मिलते हैं. यानी यहाँ से वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन में हमें इन माउंटेन्स की फॉर्मेशन मिलती है. अभी हम डिवीजन में जो है मैं इसको मार्क करके आपको बताऊंगी. अब वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में ये देखो कि यहाँ पर आपकी यहाँ से जो है वो इंडस रिवर एंटर करती है. ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है, और इधर से जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है, ठीक. तो ये जो है इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक हमें इनका जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हमें हिमालयन माउंटेन्स मिलते हैं फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक. इसके बाद इसकी जो लेंथ है, हिमालयन माउंटेन्स की लेंथ है 2400 किलोमीटर. यानी इनका जो स्ट्रेच है वेस्ट टू ईस्ट दैट इज 2400 किलोमीटर. एंड द विड्थ वेरीज, दिस इज द लेंथ एंड द विड्थ वेरीज From 400 किलोमीटर to 150 किलोमीटर. अब ऐसा क्यों है? जब अभी हम इसका डिविजन करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो हिमालयस की विड्थ है, यानी ये चीज है, चौड़ाई है, वो ज्यादा है. जैसे जैसे हम ईस्ट चलते हैं, ईस्ट साइड ये नैरो होती जाती है, इसलिए यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हमें विड्थ मिलती है 400, और जैसे जैसे हम ईस्टर्न साइड जाएंगे ये नैरो होते जाते हैं, 150 किलोमीटर तक हमें इसकी विड्थ मिलती है. हाइट जो है माउंटेन्स की, इन हिमालयन माउंटेन्स की, यहाँ पर हाइट की अगर हम बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स की हाइट ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट. आपने पढ़ा माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट जो है वो यहाँ पर नेपाल में लाई करता है ना, जो सबसे हाइएस्ट पीक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की. तो इट मीन्स यहाँ पर जो है वो हमें क्या मिलती है, इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट.
जबकि विड्थ जो है वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट. नाउ कम टू द डिवीजन ऑफ हिमालय. हम हिमालय के डिवीजन पर आते हैं. हिमालय का जो हम डिवीजन करते हैं वो हम टू बेसिस पर करते हैं. अब ये टू बेसिस कौन से हैं? एक तो हम इसका डिवीजन करते हैं लैटिट्यूडनल बेसिस पर, जिसको हम लैटिट्यूडनल डिवीजन कहेंगे, और दूसरा हम इसका डिवीजन करते हैं रीजनल बेसिस पर, जिसको रीजनल डिवीजन कहेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल डिवीजन की. लैटिट्यूडनल डिवीजन के अकॉर्डिंग हम हिमालय को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी थ्री रेंजेस हमें मिलती है. सबसे पहले इसकी आती है ग्रेटर हिमालयस, सेकेंड है इसकी लेसर हिमालयस, और थर्ड है शिवालिक. ये तीन रेंजेस में हमें लैटिट्यूडल वाइज मिलता है. अब लैटिट्यूड का मतलब क्या है? नॉर्थ टू साउथ. ये चीज आपको हमेशा ज्योग्राफी में याद रखनी है कि लैटिट्यूडल का मीन्स है नॉर्थ टू साउथ जाना, और लॉन्गिट्यूडल का मतलब है हमारा वेस्ट टू ईस्ट. तो रीजनल डिवीजन को आप लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी कह सकते हो, और ये लैटिट्यूडनल डिवीजन. अब रीजनल डिवीजन जो है वो हमारा फोर है. ये है हमारे फोर. सबसे पहले आता है पंजाब, पंजाब हिमालय. सेकंड नंबर आता है कुमाऊं. थर्ड है नेपाल, और फोर्थ है असम. ये हमारे जो है फोर डिवीजन है अकॉर्डिंग टू रीजन. सबसे पहले हम लेते हैं लैटिट्यूडनल डिवीजन. इनकी करेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे. लैटिट्यूडनल डिवीजन में जो सबसे पहले है हमारा ग्रेटर हिमालयस. ग्रेटर हिमालयस जो है उसे हम हिमाद्री भी कहते हैं. आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके डिवीजन का. ग्रेटर द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू बाय टू बेसिस, लैटिट्यूडनल एंड रीजनल. लैटिट्यूडनल देयर आर थ्री रेंजेस, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड शिवालिक. एंड on the regional division, these are of four: Punjab Himalayas, Kumaon Himalayas, Nepal Himalayas, and Assam Himalayas. Now, for come to the first one, latitudinal division. हम बात करें यहाँ पर. तो सबसे पहले हमारा था Greater Himalayas. Greater Himalayas को जो है हम क्या कहते हैं, और इसे इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है. इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, और इसे हम इनर हिमालय के नाम से भी बुलाते हैं. कुछ भी आ जाए, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही के नेम है. द ग्रेटर हिमालय, द हिमाद्री, और द इनर हिमालय. अब ग्रेटर हिमालय जो है, सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि जो हिमालयस की फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से इस तरीके से पूरे यहाँ तक मिलती है, और इसके बाद यहाँ पर भी. ठीक है, तो ये जो हिमालयस की फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस फॉर्म में है, आर्क की फॉर्म में. ठीक है, आर्क जैसे कि आप कंपास से जो है आर्क लगाते हो, जब आप कोई एंगल बनाते हो तो आर्क जो है वो इसी तरीके से होती है ना. तो यहाँ पर हिमालयस की शेप कैसी है, आर्क शेप में है. अब हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालयस की. ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री है, दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस. जो यहाँ पर हमें हिमालयस की यहाँ पर ये फॉर्मेशन मिलती है सबसे ऊपर नॉर्दर्न में. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या कहलाती है, ग्रेटर हिमालयस और द हिमाद्री. सो इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, सबसे ऊपर की रेंज है ये हमारी. ठीक, और ये रेंज जो है वो पूरी हमारी कहां से है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, एंड देन इन द साउथवर्ड्स इट टर्न्स साउथवर्ड्स.
ठीक है, तो इस रेंज में, क्योंकि तो सबसे ऊपर का रेंज है ये हमारा, सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, तो जितनी भी लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं, सबसे ऊंची जो बहुत ही ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो यहाँ पर हमें मिलती हैं। लॉफ्टीएस्ट पीक्स आर फाउंड इन द ग्रेटर हिमालयस, लाइक कराकोरम। जो कराकोरम रेंज है वो यहाँ पर हमें मिलती है, जिसमें सबसे ऊंची जो हमारी पीक है K2, इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, सबसे ऊपर की रेंज है। अब ये रेंज जो है वेस्ट टू ईस्ट तक हमें मिलती है, फिर ये जो है साउथवर्ड टर्न कर जाती है, इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। तो मोस्टली जितनी भी लॉफ्टीएस्ट पीक है वो हमें इसी रेंज में मिलती है, चाहे हमारी वो कराकोरम रेंज है, K2 हमारी यहाँ पर इंडिया की मेनलैंड की सबसे हाईएस्ट पीक है, ये आपको याद रखना है, K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन मेनलैंड, आई एम एडिंग इंडियन मेनलैंड, ठीक है। इसके बाद जो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, जितनी भी हमारी हाईएस्ट पीक है वो हमें किस में मिलती है, ग्रेटर हिमालयस में मिलती है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, तो इट मींस ये जो माउंट एवरेस्ट है वो हमें कहाँ मिलती है, नेपाल में, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, व्हाइल द K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन मेनलैंड। अब ये रेंज बहुत ही हाई अल्टीट्यूड्स पर है, तो ये है, ये जो रेंज है दैट इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, सो दैट इज द पेरिनियल रेंज ऑफ द हिमालयस विच इज कवर्ड विद ये था हमारा नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, लैटिट्यूडनल डिवीजन हम कर रहे हैं हिमाद्री। सेकंड हमारी आती है द लेसर हिमालयस, द लेसर हिमालयस इसे हम द हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे हम द हिमाचल भी कहते हैं और द लेसर हिमालयस भी कहते हैं। अब ये जो हिमालयस की रेंज है वो इससे नीचे, यानी कि ये हमारी नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, इस नॉर्दर्न मोस्ट रेंज के साउथ में ये हमारी सेकंड रेंज है, दैट इज द लेसर हिमालयस, एंड इट रन्स पैरेलल टू द ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, इट रन्स to the south of greater Himalayas in parallel direction. Parallel direction में ये हमारी चलती है in the south of हिमाद्री, एंड इसकी जो हाइट है, सॉरी मैंने आपको हिमाद्री की हाइट नहीं बताई, हिमाद्री की जो हाईएस्ट हाइट है, एवरेज हाइट है, दैट इज 6000 मीटर, व्हाइल द हाइट ऑफ हिमाचल वैरीज फ्रॉम 3700 टू 4500 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ हिमाचल। अब जितना हम नीचे जाते जाएंगे हाइट क्या होती जाएगी, कम, जिसमें मैंने आपको पीक है, हाईएस्ट पीक है वो हमें ग्रेटर हिमालयस में मिलती है, नियर अबाउट इसकी जो हाइट है वो एवरेज हाइट 6000 मीटर तक है, इसमें जो हमें पीक्स मिलती हैं, जबकि यहाँ पर जो पीक्स मिलती है उनकी एवरेज हाइट 3700 टू 4500 मीटर तक की हाइट के हमें पीक्स जो है यहाँ पर मिलती है।
अब इसका जो मैं दोनों में कंपैरिजन भी आपको साथ साथ बता रही हूँ कि जो ग्रेटर हिमालयाज है उसकी कंपोजिशन हुई है ग्रेनाइट से, ठीक है। तो उसके जो वहां पर हमें जो रॉक्स मिलती हैं दैट आर ग्रेनाइट रॉक्स। ग्रेटर हिमालयाज में ग्रेनाइट रॉक्स की कंपोजिशन हमें मिलती है, जबकि लेसर जो हिमालयाज हैं उसमें हमें किसकी फॉर्मेशन मिलती है, दैट इज कंपोज ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स से क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की लेयर का नीचे प्रेशर आ गया, तो यहाँ की जो Then listen, कि मैंने आपको बताया कि इसकी हाइट जो है 6000 मीटर है। लेसर हिमालयाज में हाइट हमें पीक्स की मिलती है 3700 to 4000 मीटर। यहाँ पर रॉक्स जिस फॉर्मेशन हुई है दैट इज ग्रेनाइट रॉक्स एंड लेसर हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। Here the highest peaks are K2, Mount Everest, etc. While in the lesser Himalayas we found Pir Panjal and Dholadhar like ranges. Here the Kashmir Valley is featured, whereas in the lesser Himalayas we find almost all the hill stations like Dalhousie, Mussoorie, Shimla, Nainital. All these is Darjeeling. All these stations are found in the lesser Himalayas. Now come to the third one, that is Shivalik. Shivalik is lies in the south of इसके जो हमारा lesser हिमालय है उससे नीचे, तो यहाँ पर जो है हमें Shivalik ranges जो है वो मिलती है। इसको broken में मैं आपको show करती हूँ कि आपको एक ही pattern नजर आएगा कि यहाँ पर हमें ये जो हमारी range है that is known as Shivalik ranges. शिवालिक जो रेंज है ये हमें आउटर ये जो हमारी लेसर हिमालयस है उसके साउथ में कौन सी रेंज आ जाती है, शिवालिक रेंज। ये शिवालिक रेंज जो है इसका आल्टीट्यूड यानी इसकी जो हाइट है दैट इज 900 to 1100 मीटर। इसकी 6000, फिर 3700 to 4500, फिर शिवालिक की 900 to 1100 मीटर। जैसे जैसे हम साउथ साइड आ रहे हैं रेंजेस की जो हाइट है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। साथ ही इसकी जो विड्थ है दैट इज ओनली 10 to 50 किलोमीटर। ये हाइट है इसकी और ये इसकी विड्थ है। शिवालिक जो रेंज है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ग्रेटर हिमालय ग्रेनाइट से, लेसर हिमालय मेटामॉर्फिक से और जो शिवालिक है वो सेडिमेंट्री से। अब यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन क्यों हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे का एरिया आ गया। जितनी भी हमारी रिवर्स निकलती हैं, जैसे कि यहाँ से हमारी गंगा रिवर भी जो है वो निकलती है, तो यहाँ पर ये सारी रिवर्स अपने सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है इस पार्ट की, इस रेंज की, वो किसके कारण हुई है, सेडिमेंट्स के कारण हुई है। सो देयर हियर वी फाइंड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब यहाँ पर हमें इसका जो एक ग्रेट फीचर है, यहाँ पर हमें क्या मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मिलती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, वैलीज क्या होती है, दो माउंटेन रेंजेस जब आते हैं, थर्ड हम शिवालिक की बात करें तो यहाँ पर हमारे सपोज ये दो माउंटेन रेंजेस है, इन माउंटेन रेंजेस के बीच में कभी कभी हमें ये लॉन्गिट्यूडनल वाइज पूरा एक स्पार्ट प्लेस मिल जाता है, तो इस स्पार्ट प्लेस को हम क्या कहते हैं, वैलीज। वैलीज जो है वो
हमें इस रेंज में मिलती हैं, जैसे कि जिसको यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही नैरो वैलीज हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को नाम दिया जाता है दून। इन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को क्या कहा जाता है? दून। तो जो फेमस दून है जैसे कि देहरादून, पाटलिदून, कोटलिदून, ये सारे दून जो है, यानी ये सारी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हमें शिवालिक रेंज में मिलती है। अभी यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इसके बाद हम इसका रीजनल डिवीजन करेंगे। नाउ कम टू द रीजनल डिवीजन, इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ यू कैन आस्क, बिकॉज आई एम रनिंग इट। चलिए, तो हम अब रीजनल डिवीजन पर आते हैं। तीन हमने अभी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लैटिट्यूडनल डिवीजन देखे, ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस के साउथ में लेसर हिमालयस, लेसर हिमालयस के साउथ में हमें क्या मिलता है? शिवालिक रेंज। इसमें हम करेंगे रीजनल डिवीजन। सबसे पहले जो इसका रीजनल डिवीजन है हिमालय का, दैट इज बेस्ड ऑन द रिवर वैलीज। इस पर बेस है ये, रिवर वैलीज पर। डिफरेंट रिवर्स आर फॉलोइंग फ्रॉम द हिमालयन रीजन। अब हिमालयन रीजन से डिफरेंट रिवर्स फ्लो हो रही हैं और उन रिवर्स के बीच में जो वैलीज आती हैं उनके बेसिस पर हमने रीजनल डिवीजन किया। सबसे पहले हमने बात की थी पंजाब हिमालयस की। अब पंजाब हिमालयस जो है वो इसका सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब रीजनल क्या है? रीजनल सबसे पहले आपको इतना सब सिर्फ समझ आना चाहिए, रीजन का में हिमालय राइज कर रहा है उसी एरिया पर उसे बुलाया जा रहा है, यानी जैसे कि पंजाब में हिमालय का जो पोर्शन है तो उसको पंजाब हिमालय, कुमाऊं में जो है वो कुमाऊं हिमालय, नेपाल में जितना पोर्शन लाई करता है नेपाल हिमालय, और असम में जो पोर्शन है दैट इज असम हिमालय। बट हाउ वी डिमार्केटेड दीज पोर्शन बाय द रिवर वैलीज, वी डिमार्केटेड इट बाय द रिवर वैलीज। अब पंजाब हिमालयस कौन सा पोर्शन है? सबसे पहले पंजाब हिमालयस जो है इसमें हम इंक्लूड करते हैं द एरिया लाइन बिटवीन इंडस एंड सतलुज। अब यहां पर आपका मानसरोवर लेक है, ये मैं वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, वैसे आपको ये नेक्स्ट चैप्टर में आना था लेकिन वो हमारा डिलीटेड हो चुका है, फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। मानसरोवर लेक के वेस्टर्न से जो है हमारी क्या निकलती है? इंडस रिवर, ठीक है। और ये जम्मू एंड कश्मीर से इंडिया में एंटर करती है, उसके बाद जो है ये सारा पंजाब प्रिंस से निकलते हुए और ये फिर पाकिस्तान में जाती है और ये अरेबियन सी में एट द पोर्ट ऑफ कराची जो है ड्रेन करती है। अब यहाँ पर जो है इंडस रिवर है, इंडस रिवर की 5 ट्राइब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी हैं? रावि, सतलुज, ब्यास, चनाब और झेलम, ये 5 जो हैं वो इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज है। तो ये वो भी निकलती है और ये भी जो है हिमालय से निकलती है और इसमें मिक्स होती है। तो ये जो पोर्शन है इंडस से लेकर सतलुज तक का, ये हमारा है इंडस रिवर और ये है सतलुज। इंडस से सतलुज तक रिवर का जो एरिया है दैट इज नोन एज पंजाब हिमालयस। अब इसको भी रीजनली जो है वो अलग अलग कहा जाता है, जितना पार्ट कश्मीर में लाई करता है उसको कश्मीर हिमालय, जितना हिमाचल में लाई करता है उसको हिमाचल हिमालय, लेकिन ब्रॉडली इसको सारे पार्ट को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय।
ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड जो है दैट इज कुमाऊं हिमालयस। कुमाऊं हिमालयस दैट लाइज बिटवीन द सतलुज, सतलुज रिवर हमने देखा, और यहां से नेपाल के कॉर्नर से जो है वो काली रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तो ये जो एरिया है बिटवीन द सतलुज एंड द काली रिवर दैट इज काली रिवर, तो ये जो एरिया है दैट इज नोन एज, ये कंबाइंडली ये सारा एरिया हमारा क्या कहलाता है, कुमाऊं हिमालयस। जितना भी ये हमारा हिमालय का पोर्शन है बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर दैट इज नोन एज कुमाऊं हिमालयस। नाउ कम टू द थर्ड वन द नेपाल हिमालयस। नेपाल हिमालय देखो ये काली रिवर है और इसके यहां से ये नेपाल के स्टार्टिंग बॉर्डर है, ये सारा हमारा नेपाल है। ठीक है, अब नेपाल के वेस्टर्न से जो है काली रिवर निकलती है और इसके जो इसका लास्ट पोर्शन है ईस्टर्न, ईस्टर्न पोर्शन सॉरी आई एम यूजिंग द ग्रीन पैन फॉर द रिवर्स, यहां से जो है वो कौन कौन सी रिवर निकलती है, तीस्ता, तीस्ता रिवर। सो द हिमालयस लाइज बिटवीन द काली एंड तीस्ता इज नोन एज अ नेपाल हिमालयस, करेक्ट। अब इसके बाद जो है हमारी लास्ट रिवर आती है दैट इज बिहांग। बिहांग रिवर लाइज इन द असम विच इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ, मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। सो द हिमालयस लाइज बिटवीन तीस्ता एंड बिहांग इज नोन एज असम हिमालयस। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में यानी जब हम लॉन्गिट्यूडनल वाइज जाते हैं तो रीजनल डिवीजन हमें हिमालय का मिलता है। सो दैट इज बेस्ड ऑन द रिवर वैलीज। फर्स्ट इज द पंजाब हिमालयस बिटवीन द इंडस एंड सतलुज। सेकंड इज कुमाऊं हिमालयस विच लाइज बिटवीन सतलुज एंड काली। एंड थर्ड इज नेपाल हिमालयस विच इज विच लाइज बिटवीन काली एंड तीस्ता। And last one is the Assam Himalayas, which lies between Tista and Dihang. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमारी कौन सी रिवर आती है, ब्रह्मपुत्र, जो मानसरोवर के ईस्टर्न से निकलती है और असम में से लेकर अरुणाचल प्रदेश से जो है वो एंटर करती है इंडिया में, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है देखो यहाँ पर इसकी जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो कौन सी रिवर बना रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर बना रही है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, बियॉन्ड द दिहांग, दिहांग के बाद जो है हिमालयस जो है वो क्या हो जाते हैं, साउथवर्ड टर्न हो जाते हैं। मैंने आपको ग्रेटर हिमालयस मार्केट करके दिखाया था, यहां से लेकर मैंने आय से इसको मार्क किया था, है ना। तो यहाँ दिहांग के बाद क्या होता है कि ये हिमालयस जो है साउथवर्ड टर्न कर जाते हैं, जिनको इस साउथवर्ड टर्न हिमालयस को हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल, दैट इज नोन एज पूर्वांचल, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। यहाँ पर हमें जो है ईस्टर्न साइड भी हिमालयस की फॉर्मेशन मिलती है जिसको हम पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन्स कहते हैं। अब ये जो ईस्टर्न हिल्स हैं वो हमें आपको देखो कि यहाँ पर है आपका ये जो पहाड़ का पार्ट है, यहाँ पर ये पार्ट जो है पटकाईबम, हमें हिल्स मिलती हैं सबसे पहले यहाँ पर असम के अरुणाचल प्रदेश के साइड में, बिल्कुल बाहर इंडिया के बाहर की साइड जो है वो हमें मिलती है पटकाईबम। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है नागालैंड, तो यहाँ पर हमें मिलती है नागा हिल्स,
फिर इसके बाद आता है मणिपुर, तो फिर मिलती है मणिपुर हिल्स। फिर आता है मिजोरम, तो फिर हमें मिलती है मिजो हिल्स। अब ये आप देखोगे, ये नॉर्थ टू साउथ हिल्स हमें मिल रही हैं इंडिया के ईस्टर्न साइड, बट दे लाइज इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। पटकाईबम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। अलोंग विद दिस वी हैव थ्री और अदर हिल्स, यहाँ पर हमें मिलती है गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय में गारो, खासी एंड जयंतिया, दीज लाइज इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। तो इनको हम कंबाइंडली जो है, इन हिल्स को हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स, जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में ही हिमालय पार्ट है। पटकाईबम हिल्स, मणिपुर एंड मिजो हिल्स। इन द वेस्ट ईस्ट इन द मेघालय विच लाइज गारो, खासी एंड जयंतिया, विच इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, एंड द हाइएस्ट प्रेसिपिटेशन इज रिकॉर्डेड इन दीज मेघालय रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री रेंजेस, गारो, खासी एंड जयंतिया। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द हिमालयस, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस। अब हिमालयस की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि इट एक्ट्स एज अ बैरियर, एक बैरियर के रूप में काम करते हैं फॉर द एनिमीज, क्योंकि एनिमीज को तो ये एंटर करने से प्रिवेंट ही करते हैं। साथ ही साथ ये बैरियर के रूप में किसके लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स North India from the bitterly cold winds coming from Central Asia. अब क्या होता है कि जब हमारे जब क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, सन की जो लोकेशन है वो चेंज होती है, यानी हमारे अर्थ की लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं। हम और डिटेल में नहीं जाएंगे, सेंट्रल एशिया से बहुत जल्दी बहुत ही ज्यादा ड्राई और कोल्ड विंड्स चलती हैं, एंड दैट फ्लोस टुवार्ड्स द साउथ, यहाँ से नीचे की ओर आना शुरू करती है वो विंड्स इस तरह। अब ये इतनी ज्यादा ठंडी हवाएं हैं कि अगर हमारे यहाँ पर चलता, रशिया में आपने देखा होगा कितनी ठंड होती है ना, तो यहाँ पर अगर ऐसे ही हिमालय माउंटेन्स ना होते तो ये जो विंड्स हैं वो इजिली इंडिया में एंटर कर जाती, और सिमिलरली अकॉर्ड लाइक रशिया एंड चाइना, यहाँ पर इंडिया भी जो है वो सिमिलरली बिटर कोल्ड को फेस करता, लेकिन जो हिमालय है वो एज अ बैरियर काम करता है और इन कोल्ड विंड्स को इंडिया में एंटर करने से रोकता है, यानी इसका मेजर पोर्शन जो है वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाता। सेकंड कि जो हमारा